सूजा सूजा उसमें नाथ डालोगे भैंस या भैंसा या कटरा कटिया जिसको नाथ डालोगे उसको मोहरा बांधो। मोहरा क्या कहते हैं? मुसक्का। और मुसक्का लगा के दो तीन नए पट्टे लोगे उन पट्टों से कहेगा वहां तक दौड़ा और यहाँ से यहाँ दौड़ा और यहाँ से जब उसके प्राण ऐसे करने लगे नत्था ऐसे पकड़ना और इधर से सूजा डालना कसम खुदा की अगर वो सारे हिल भी तो जाए ताली बदम नहीं है वैसे चले आए हो। आपको शायद मशीन जेल नहीं डालती है तो पावर सरसों का तेल गरम करिए जब वो लाल हो जाए उसके अंदर आधा लीटर कच्चा दूध डालिए और ठंडा होने के बाद उसे पिला दीजिए। एक घंटे के अंदर 100% है जेल डाल देगी। लेकिन पिलाना कब है? हमारे चौधरी तो ब्याने से पहले पिला देते हैं कि जब ब्याह जाएगी जेल भी डाल देगी। नहीं, 24 घंटे के बाद पिलाना है। 24 घंटे तक क्या है उसका इंतजार करिए। अब जेल वो डालती क्यों नहीं? जब भैंस आपने जंगली पशु को लवारा मरा देखा है कभी? किसी ने देखा हो बताए? बच्चा नीलगाय हिरन का मरा देखा है? नहीं मरता, क्योंकि उसे पता है क्यों नहीं मरता। लेकिन लवारों को आप मार दे तो अगले लेक्चर में मैं ये बताऊंगा किसी का लवारा मर ही नहीं सकता। मेरे पास फॉर्मूला है। पहले दिन का जो दूध है वो लवारे को पिलाओगे, 3 दिन का पेट भर के पिलाओगे। पहले दिन का जब दूध पिला दोगे तो क्या होगा? उसका दस्त हो जाएंगे। दस्त होना अच्छी बात है। अगले दिन क्या करोगे? फिर दस्त होने के बाद फिर दूध पिलाओगे। उस दूध में क्या है? एंटीबायोटिक छुपी है, दस्त रोकने की दवा छुपी है। तीसरे दिन फिर दूध पिलाओगे, उसको ताकत आएगी, फिर लवारा नहीं मरेगा। और जेल भी भैंस इसीलिए नहीं डालती क्योंकि ब्याने के बाद उसको आप जब तक दूध नहीं पिलाते तब तक वो जेल नहीं डालती। भैंस को के लवारे को इतना समझदार पैदा किया भगवान ने, लवारे से भैंस का कह दिया कि तू जाते दूध पी लेना, जब तू दूध पिएगा तेरी माँ का बाघ हल्का हो जाएगा, जब तेरी माँ का बाघ हल्का हो जाएगा तेरी माँ बैठ जाएगी, जब तेरी माँ बैठ जाएगी तो तेरी माँ जेल डाल देगी। लेकिन तुम लोग करते क्या हो? उसे दूध ही नहीं पी रहे थे। जेल कब डालती है भैंस? जब भैंस बैठती है तब जेल डालती है। और बैठती क्यों नहीं? दूध भरा रहता है। अब आपको क्या करना है? लवारे को इतना समझदार पैदा किया, इंसान के बच्चों को पैदा किया बेवकूफ पैदा किया, भैंस के बच्चों को समझदार पैदा किया आखिर क्यों? एक ने कहा डॉक्टर साहब बताओ, मैंने कहा भैंस के बच्चों को बहुत समझदार पैदा किया। अगर भैंस पानी में बह जाए और भैंस का लवारा पानी में डाल दो तो डूबेगा? भैंस का बच्चा अपने आप खड़ा होता है, अपने आप दूध पीता है, पिता नहीं पीता है। अब औरत का जब बच्चा पैदा होता है बैठ नहीं सकता, उसे बिठाना सिखाया जाता है और दूध नहीं पी सकता जब तक उसकी माँ दूध नहीं पिलाए, तो समझदार औरत का बच्चा है भैंस का बच्चा? औरत का बच्चा समझदार नहीं है, भैंस का बच्चा समझदार है। और मैंने फिर साबित किया कैसे समझदार है, जब आपके डांड